हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट स्टार्ट टुडेज सेशन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं किया था। फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं, फोर्थ भी कर चुके हैं, फिफ्थ भी कर चुके हैं, सिक्स्थ नहीं किया, सेवन्थ कर लिया है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है, इफ एनी अगर कोई है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इन फंक्शंस का आल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज, और वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। तो इजी क्वेश्चन है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तो मैंने आप फाइंड आउट करना बताया ही था। कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं उसके। सबसे पहले क्या किया, एफ ओफ एक्स कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। देन फाइंड एफ डबल डैश एक्स, दैट इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एंड पुट द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स इन एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स इफ लेस देन जीरो देन इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इफ डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो आफ्टर पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ एक्स, देन इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्स मिनिमा। If f double dash x is equal to 0, then it is the point of inflection, that is neither maxima nor minima. तो बिल्कुल यही steps follow करेंगे हम, और question number 3 के parts find out करते हैं। जल्दी जल्दी कर देती हूँ क्योंकि ये easy question है, कुछ ऐसा खास बात है नहीं इसमें। f of x is equal to x square, function दे रखा है f of x is equal to x square के equal, first derivative क्या हो जाएगा इसका f dash x, f dash x is equal to x square का derivative is 2x, 2x, put f dash x is equal to 0, then 2x is equal to 0, तो 2, 0 by something 0, x is equal to 0. अब क्या किया, f double dash x derivative find out किया, f double dash x 2x, 2x का फिर से derivative करेंगे 2, 2 is greater than 0. अब f double dash x में ये x की value put करेंगे तो कितनी आएगी, अब 2 में तो कुछ put करेंगे ही नहीं, 2 में क्यों कुछ भी put क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 0 value put करनी है ये किसके प्लेस पे पुट करनी है, एक्स के प्लेस पे पुट करनी है। बट देयर इज नॉट एनी एक्स इन दिस डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। सो एफ डबल डैश जीरो इज इक्वल टू 2 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, बिकॉज इफ सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 देन इट बिकम्स मिनिमा, लोकल मिनिमा, और किस पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल टू 0 पर बनेगा। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि ये मिनिमा बन रहा है कि मैक्सिमा बन रहा है। देखो क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स तक फाइंड आउट किया, अगर वो 0 से ग्रेटर आ रहा है तो लोकल मिनिमा बनेगा, लेकिन लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू जो एक्स आई है हमारे पास जिस पर ये मिनिमा बन रहा है, उस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करो, कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 0। सेकंड पार्ट करते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव g डैश x इज इक्वल टू x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का माइनस 3, फिर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 तो 0 के नीचे डिवाइड में होकर खत्म हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि प्लस 1 का स्क्वायर करें तो भी वही आती है वैल्यू, माइनस का करें तो भी वही आती है। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2 आगे आ गया, तो 6x, और 3 तो कांस्टेंट है उसका 0, तो सेकेंड डेरिवेटिव हो गया 6x। अब इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, जो क्रिटिकल वैल्यूज आई है, प्लस 1 भी पुट करेंगे और माइनस 1 भी पुट करेंगे, कितनी वैल्यू आ गई, इस केस में तो आई है प्लस का 6 तो ग्रेटर देन 0, इस केस में आ रही है माइनस 6 तो लेस देन 0। अब x इज इक्वल टू 1 पर, 1 पर अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, एंड दी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इस 1 को हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसमें पुट करने पर जो आंसर आएगा 2, माइनस 2 आ रहा, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई। क्लियर हो गया, ये तो कर लोगे इसको सिंप्लीफिकेशन, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
जी एक्स इसमें पुट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्यों आ रही है ये माइनस वन लोकल मैक्सिमा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करने के बाद लेस देन जीरो आ रही है, इसलिए ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इसको जे डैश में पुट करना है, फिर हमारे पास क्या आएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट थ्री, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो कॉमा पाई बाई टू, या हम कह सकते हैं जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई टू, यानी यही मतलब है इसका कि x को किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, 0, π/2 ओपन इंटरवल में, क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसलिए ओपन इंटरवल आएंगे। एच डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव साइन x का कोस x और कोस x का माइनस साइन x, एच डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, कोस x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, साइन x उस साइड चल गया तो पॉजिटिव हो गया, कोस x इज इक्वल टू साइन x। तो अगर मैं कोस x को इसके डिनोमिनेटर में लिखूं साइन x बाय कोस x, यहाँ क्या रह जाएगा, वन, वन इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कोस एक्स, यहाँ लिख सकती हूँ साइन एक्स बाई कोस एक्स इज इक्वल टू वन, तो साइन एक्स बाई कोस एक्स टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वन, टेंजेंट एक्स की वैल्यू वन कहाँ होती है, वन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, और वैल्यूज पर भी होती है लेकिन इंटरवल भी देखना है, जैसे कि 0, π/2 के बीच में भी लाई करना चाहिए वो, है ना। पहले भी हमने बहुत सारे केस किए हैं कि इस पे होती है या इस पे होती है, आगे भी करवाऊंगी क्वेश्चंस, लेकिन इंटरवल भी देखना, हमें सिर्फ एक्स की वो वैल्यू लेनी है जो इस इंटरवल के अंदर लाई करती है, इफ इंटरवल इज गिवन। एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर पर 45 डिग्री पर टेंजेंट की वैल्यू 45 डिग्री पर वन होती है, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर, और पाई बाय फोर 0, π/2 के बीच में भी लाई करता है, क्योंकि पाई बाय फोर इज 45 डिग्री, 0, π/2 इज 90 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी होती है डिग्री में, 180 डिग्री। फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, माइनस कॉमन ले लिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर डबल डेरिवेटिव में हम वो क्रिटिकल वैल्यू पुट करेंगे दैट इज पाई बाय फोर, इस पे हमने देखा माइनस रूट टू आ रहा है, जब माइनस रूट टू आ रहा है तो वो तो लेस देन जीरो आ रहा है, और लेस देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और नहीं, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा जो लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा पता लग गया क्योंकि लेस देन जीरो आ रहा है, और यही लिखना है, ऐसे ही लिखना है कि एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर जो ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, जब हमारे हम इस पाई बाय फोर को किसमें पुट करेंगे, जो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दी होती है दैट इज एच एक्स में, एच एक्स में जब हम पाई बाय फोर पुट करेंगे, पाई बाय फोर इज 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, एंड कोस 45 डिग्री इज ऑल्सो 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 टू को कैसे लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, तो एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल हो गया, क्या रह गया, रूट टू, इजी है, बहुत सब में सेम प्रोसेस है। दिस क्वेश्चन ये तो आप कर ही लोगे इजिली, ना कोई भी डाउट आए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, फिफ्थ पार्ट भी कर लोगे, सिक्स्थ भी कर लोगे ना, सेम प्रोसीजर है बिल्कुल, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना कोई भी इतनी बड़ी बात है ही नहीं, तो बाकी के पार्ट्स आप इसके देख लेना, इसकी पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर कोई डाउट आता तो फिर आप मुझे बता देना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अदरवाइज वैसे है कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, उसको जीरो के इक्वल पुट करो, जीरो के इक्वल पुट करने के बाद जीरो के इक्वल पुट करो, उसमें से एक्स की वैल्यू निकालो दैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद फिर उसका डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें वो सारी वैल्यूज पुट करो जितनी भी क्रिटिकल वैल्यूज दैट इज एक्स की वैल्यूज आ रही है, अगर वो लेस देन जीरो है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कैसे होनी है, हमारे फंक्शन में पुट करके, बस यही तो काम था, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि 3π/4 पे जैसे वैल्यू क्या होती है, 5π/4 पे क्या होती है, तो ये सब तो प्लस वन क्लास के कंसेप्ट हैं, आपको जब तक थर्ड चैप्टर नहीं आएगा तब तक तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ भी हो गया, एट्थ क्वेश्चन करते हैं, एट्थ क्वेश्चन में क्या कहते हैं, एट्थ क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0, π/2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो इस इंटरवल के अंदर लाई करते हैं 0, π/2 के, डज द फंक्शन साइन 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, क्वेश्चन ने बोल दिया, अब तक हमें वो पॉइंट्स देता था कि इस पे चेक करो, तो अब क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही चेक करना है, जब साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू होगी और इंटरवल 0, π/2 के बीच में ही वो पॉइंट्स आने चाहिए, पॉइंट्स चेक करो,
फंक्शन दे रखा हमें, हमने लेट कर लिया, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स। आप एफ एक्स करना चाहो जी एक्स ऑफ एक्स, जी ओफ एक्स करना चाहो, एच ओफ एक्स करना चाहो, जी ओफ एक्स करना चाहो, जो भी करना चाहो आप कोई भी फंक्शन लेट कर सकते हो। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे साइन टू एक्स का कोस टू एक्स, फिर टू एक्स का टू, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ गया टू कोस टू एक्स। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, यही करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल, तो टू कोस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो टू तो जीरो के नीचे जाके खत्म हो गया, कोस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब कोस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो होता कहाँ कहाँ पर है, जब टू एक्स इज इक्वल टू या तो पाई बाय टू पर हो 90 डिग्री पर, या थ्री पाई बाय टू, या फाइव पाई बाय टू, या सेवन पाई बाय टू, अप टू सो ऑन। इन सारी वैल्यूज पर कोस की वैल्यू क्या होती है जीरो। एक्स इज इक्वल टू, देखो कोस टू एक्स है, तो अगर मुझे यहां से टू हटाना है तो क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दो, या टू इन सब नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा, क्योंकि एक के नीचे तो जाएगा नहीं, ये सब के जाएगा, तो टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय फोर, थ्री पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर, सेवन पाई बाय फोर, इन सब पर क्या वैल्यू होती है जीरो। तो पाई बाय फोर पुट करते हैं, अगर हम पाई बाय फोर अपने फंक्शन में पुट करते हैं, अपने फंक्शन में पुट करेंगे, अब डबल डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट करना, क्योंकि हमें पता है फंक्शन हमें किसके लिए चाहिए, मैक्सिमम के लिए। अब f ऑफ पाई बाय फोर पुट करेंगे फंक्शन में, तो x के प्लेस पे पाई बाय फोर पुट करेंगे, अब आप कहोगे यहाँ तो पाई बाय टू लिखा हुआ है, अरे भाई पाई बाय फोर लिखो यहाँ, टू वन जो टू, टू टू जो फोर, तो x बाय टू ही तो रह गया, पाई पुट किया तो पाई बाय टू रह गया, साइन पाई बाय टू दैट इज साइन 90 डिग्री वन। f ऑफ थ्री पाई बाय फोर पुट किया, साइन थ्री पाई बाय टू इज इक्वल टू माइनस वन। f ऑफ फाइव पाई बाय फोर इज इक्वल टू साइन फाइव पाई बाय फोर इज इक्वल टू वन, सेवन पाई बाय फोर इज इक्वल टू माइनस वन, और एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, एंड एफ ऑफ टू पाई इज इक्वल टू साइन टू पाई इज इक्वल टू जीरो। अब आप कहोगे ये जीरो और टू पाई कहाँ से लिखा, जीरो और टू पाई हमें इंटरवल गिवन था जीरो कोमा टू पाई, तो इन पर भी हमने वैल्यूज निकाल ली। निकालने के बाद अभी हमने देखा कि एब्सल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू इन सिक्स के सिक्स केसेस में किस पर आ रही है, वन वन आ रही है सबसे ज्यादा वैल्यू, किस पॉइंट पर आ रही है पाई बाय फोर पर और फाइव पाई बाय फोर पर, तो एब्सल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज वन एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर एंड फाइव पाई बाय फोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हर बार हमें ये बताते पूछते हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एब्सल्यूट मैक्सिमा एब्सल्यूट मिनिमा फाइंड आउट करो, लेकिन इसमें हमें उल्टा दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है और पॉइंट्स बताने हैं, तो पॉइंट्स हम निकाल चुके हैं, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर और फाइव पाई बाय फोर पर हमें एब्सल्यूट वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम, और एब्सल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है कितनी वन है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, होप सो क्लियर हो गया होगा। डाउट आपको कहाँ आ रहा होगा, प्लस वन वाले कंसेप्ट में, कि वैल्यूज इनकी ऐसे कैसे आती हैं, तो वैल्यूज कैसे आती हैं भाई, वो उसके लिए तो आपको इलेवेंथ क्लास का थर्ड चैप्टर देखना होगा, तो आप बिल्कुल ध्यान दे रहे होंगे कि इलेवेंथ क्लास का थर्ड चैप्टर जो आप नहीं पढ़कर आए या पढ़कर आए भी हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे उसमें तो वैल्यूज यूज होंगी ही होंगी, और ये बात नहीं है कि सिर्फ ट्वेल्थ में यूज होंगी, लाइफ टाइम यूज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स रहता है एक हमारा, क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं एक बार। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वेयर। तो हमें एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन गिवन है, तो हमें ये बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बनेगा, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वेयर। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे सबसे पहले, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज पी डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है खत्म हो गया, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, माइनस 72 एक्स का हो जाएगा माइनस 72 माइनस 18 एक्स स्क्वेयर का हो जाएगा 2 आगे आएगा, तो 18 टू 36 एक पावर कम होगी माइनस 32 36 एक्स। फिर क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, माइनस 72 माइनस 36 एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2। एक्स की वैल्यू कैसे आई,
कितनी आई, माइनस टू। डबल डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, अब इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये जीरो हो गया, माइनस थर्टी एक्स का माइनस थर्टी सिक्स, माइनस थर्टी सिक्स एक्स का माइनस थर्टी सिक्स, पी डबल डैश एक्स कितना आ गया, माइनस थर्टी सिक्स, एंड माइनस थर्टी सिक्स इज लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो आ रही है तो क्या वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये क्या वैल्यू देगा, मैक्सिमा देगा ना, लेस देन जीरो आ रहा है, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट ही तो निकालना हमें। अब इसकी वैल्यू माइनस टू, जो क्रिटिकल वैल्यू आई है एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ये पुट करेंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज द मैक्सिमा, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जब इसमें इस वैल्यूज इस पॉइंट में जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें माइनस टू पुट करेंगे क्या वैल्यू मिलेगी हमें, इसमें माइनस टू पुट किया, इसको सॉल्व किया, 113 आंसर आया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 113 यूनिट्स। बिल्कुल वैसे ही था जैसे हम अपने पॉइंट्स निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालते हैं, सिर्फ इसको क्वेश्चन को स्टेटमेंट में दे दिया गया था और कुछ भी नहीं था, इसमें निकालना वही था कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ये आ गई, और इसमें ये बताओ मैक्सिमा मिनिमा, बस मैक्सिमा मिनिमा भी उसने बता रखा था, वो हमने अपना क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए कि पी डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो आ रहा है इस पॉइंट पर आ रहा है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब हम इसमें फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, इजी था क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हो गया, सेवन्थ भी हो गया, एट्थ भी हो गया, क्वेश्चन नंबर टेंथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ, नाइन्थ क्वेश्चन रहता है, पहले नाइन्थ कर लेते हैं टेंथ से पहले। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कि कोई भी वैल्यू पुट करो साइन की, कोई भी वैल्यू पुट करो ज्यादा से ज्यादा कॉस की, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर कुछ होती है, 45 पर कुछ होती है, 0 पर कुछ होती है, 90 पर कुछ होती है, 2 पाई पर कुछ होती है, कोस की भी ऐसे बहुत सारी वैल्यूज होती है, तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस करें तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, वन मार्क्स में बिल्कुल आ सकता है आपके पास ऑप्शन में भी। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स नेगेटिव का था तो राइट साइड पे जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, कॉस को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू वन, और साइन एक्स बाय कॉस एक्स किसके इक्वल, टेंजेंट एक्स इक्वल, तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वन, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ बनती है, वन पाई बाय फोर पे, फाइव पाई बाय फोर पे। अब अगर आपने कोई बात नोट की हो, अभी अभी हमने एक इंटरवल वाला क्वेश्चन किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर एट, उसपे जीरो कोमा टू पाई था, यही किया था ना, अभी दिखाती हूँ आपको, नहीं एट नहीं था वो, कौन सा क्वेश्चन था, अभी कौन सा क्वेश्चन किया था, हाँ थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वन, इसमें x की वैल्यू लिख रहे हैं पाई बाय फोर, लेकिन हम अपने नाइन्थ क्वेश्चन में x की वैल्यू लिख रहे हैं टेंजेंट x इज इक्वल टू वन, लेकिन x की वैल्यू लिख रहे हैं पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय फोर और अप टू सो ऑन, है ना, तो डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें इंटरवल गिवन था इसलिए सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी है, इसमें कोई इंटरवल नहीं है इसलिए हम मोर देन वन वैल्यूज लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स का माइनस तो एज इट इज, और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ डबल डैश एक्स विल बी नेगेटिव व्हेन, ये वाली वैल्यू जो है डबल डेरिवेटिव, ये नेगेटिव कब हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, क्योंकि हो सकता है जो साइन एक्स की और कॉस एक्स की वैल्यू आती है वो भी तो नेगेटिव में आती है, तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगी, तो ये कह रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव कब हो सकता है, जब एक्स की वैल्यू किस में लाई करेगी, जीरो कोमा पाई बाय टू में, क्यों भाई जीरो कोमा पाई बाय टू में लाई करने से ये नेगेटिव ही क्यों रहेगी, बिकॉज वी नो दैट जीरो कोमा पाई बाय टू इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे हम चार क्वाड्रेंट्स बनाते हैं, वन टू थ्री फोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, जीरो पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू,
सॉरी, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 फिर से 2 पाई, तो 0 से पाई बाय 2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। जब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी और बाहर नेगेटिव है, तभी तो ये एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव रहेगा। तो इट मीन्स एफ डबल डैश एक्स विल बी नेगेटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 2। इंटरवल समझ आया कैसे है? अब एफ डबल डैश एक्स पाई बाय 4 पुट करेंगे। पाई बाय 4 जब हम इसमें पुट करेंगे, क्योंकि 5 पाई बाय 4 नहीं पुट कर सकते। अब क्यों नहीं पुट कर सकते? वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज ले सकते थे, इंटरवल गिवन ही नहीं था, लेकिन हमें अपना फंक्शन क्या बनाना है, नेगेटिव फंक्शन नेगेटिव बनाना है। और फंक्शन नेगेटिव बनाने के लिए हम इस इंटरवल को लेंगे, तभी जो डबल डेरिवेटिव, सेकंड डबल डेरिवेटिव है, वो नेगेटिव आ सकता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि नेगेटिव ही क्यों बनाना है, हमें क्या सपने आएंगे कि इसको नेगेटिव बनाओ? बिल्कुल आएंगे, क्वेश्चन पढ़ो आपको सपने भी आने लगेंगे। क्या बोला हुआ था क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन जीरो। यही तो पढ़ के आ चुके हैं अभी तक। जब सेकंड जो सेकंड डेरिवेटिव है, या कह सकती हूँ एफ डबल डैश एक्स है जो डबल डेरिवेटिव है, जब वो लेस देन जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है, तभी तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तभी तो लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा होता है जब डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो होता है। तो नेगेटिव रखना है इसको, और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? 0, पाई बाय 2। 0, पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। जब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाहर नेगेटिव का साइन है, तो इसलिए ये पूरी कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज नहीं ले सकते, जितनी भी ये थी पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और अप टू सो ऑन, हम इसमें सिर्फ क्या वैल्यू लेंगे? पाई बाय 4, बिकॉज 5 पाई बाय 4 नॉट लाइंग इन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओनली पाई बाय 4 कैन लाइ। एफ डबल डैश एक्स दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज पाई बाय 4, तो इसमें पाई बाय 4 पुट करेंगे। साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 क्या होता है? 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1 बाय रूट 2। कॉस 45 डिग्री कितना होता है? 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2। माइनस तो ऑलरेडी बाहर चल ही रहा है, तो रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं? सॉरी, 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 × √2, तो 1 √2 से 1 √2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? −2√2, और ये लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, लेकिन ये तो क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज द मैक्स, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है किस पॉइंट पर? पाई बाय 4 पर। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू दे कितनी रहा है, निकालना तो वो है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रहा है? इस पाई बाय 4 को हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे। साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, 1 बाय √2 × प्लस का साइन आएगा यहाँ, 1 बाय √2 प्लस 1 बाय √2 इज इक्वल टू 2 बाय √2 इज इक्वल टू √2 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रहा है? √2 दे रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कब फाइंड आउट होती है? हमें पॉइंट फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा वो अलग है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा वो अलग है। पॉइंट फाइंड आउट करना और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। पॉइंट तो यहीं से फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट होगी? जब हम अपने क्वेश्चन में पुट करेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन है, एच ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, उसमें पुट करके, तब हमारे पास कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, होप सो क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब वैसे तो मैंने सारे इसके कंसेप्ट क्लियर कर दिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये हमें फंक्शन गिवन है इन द इंटरवल 1, 3, इंटरवल भी गिवन है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन −3, −1। यानी फंक्शन तो ये है, एक बार इंटरवल 1, 3 है, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, और एक बार इंटरवल ये है −3, −1, इसके लिए फाइंड आउट करो। इसने दो क्वेश्चन को आपस में मर्ज नहीं कर दिया कि फंक्शन एक ही दे दिया, एक बार ये इंटरवल दे दिया और एक बार ये वाला इंटरवल दे दिया, है ना? तो ये तो हमें फाइंड आउट करना आता है, हमारे बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। क्वेश्चन नंबर 10, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ − 24x + 107। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालेंगे, 6x² − 24, 6 कॉमन ले लिया, x² − 4, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी 6x² − 4 इज इक्वल टू 0, तो 6 तो 0 बाय समथिंग 0 हो गया, x² − 4 इज इक्वल टू 0, तो x² = 4, क्योंकि माइनस का 4 राइट साइड पे गया, प्लस का 4, x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि यही है, तो ये प्लस 2 पर भी
अगर एक्स की वैल्यू प्लस टू लेते हैं तब भी उसका स्क्वायर करने पर फोर मिलता है, और माइनस टू लेते हैं तब भी उसका स्क्वायर करने पर फोर मिलता है। अब एक बार वैल्यू पुट करेंगे टू, एक बार वैल्यू पुट करेंगे वन, एक बार वैल्यू पुट करेंगे थ्री, यही करेंगे। क्यों वन और थ्री क्यों पुट करेंगे? इंटरवल वन कॉमा थ्री है, क्वेश्चन ने दे रखा है इंटरवल। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं वो तो पुट करते ही करते हैं, साथ में जो इंटरवल देते हैं उनको भी पुट करते हैं। तो जब हमने ये वैल्यूज पुट की, हमारे पास 75, 85 और कितना आ गया 89, ये वैल्यूज हम कहाँ पुट करते हैं? फंक्शन में, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किस पर आई है? 89 आई है। किस पर आई है? एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर आई है। फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि इंटरवल क्या गिवन है? सेकेंड इंटरवल क्या गिवन है? माइनस 3 और माइनस 1, माइनस 3 और माइनस 1। तो माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस 1 पुट करेंगे, और हमारे पास दो रूट्स आए थे, दैट इज एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2। प्लस 2 हम यहाँ पुट कर चुके हैं, माइनस 2 हम यहाँ पुट करेंगे। तो अब हमने देखा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, क्यों हर केस में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? जो मैक्सिमम है वो लिख दो। 139 किस पर आ रहा है? एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पर आ रहा है ना। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि एब्सोल्यूट मिनिमा, तो चलो ठीक है, मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल पूछी थी तो एब्सोल्यूट मिनिमा नहीं निकाला। वैसे एब्सोल्यूट मिनिमा कोई बड़ी बात नहीं थी निकालने, इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 75 एट द पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 2, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इन दिस केस इज 125 एट द पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। लेकिन क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है आपके माइंड में कि एक्स इज इक्वल टू दो पॉइंट्स आए थे प्लस और माइनस 2, और इसने बोला था इंटरवल, दो इंटरवल गिवन थे, ठीक है, एक इंटरवल के लिए हमने यहाँ निकाल लिया, एक इंटरवल के लिए हमने यहाँ निकाल लिया, ये भी आपको समझ आया होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि हमें कैसे पता लगेगा, जो हम इंटरवल 1,3 ले रहे हैं उसमें तो प्लस का 2 ले लें, और जो इंटरवल हम माइनस 1 और माइनस 3 ले लें उसमें हम माइनस 2 ले लें, है ना। क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? अरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, जो हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं 2 और माइनस 2, तो किस इंटरवल में लाई करता है? इसमें करता है ना, 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, और माइनस 2 किस इंटरवल में लाई करता है? माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इस इंटरवल में लाई करता है, इसलिए हमने इसके साथ प्लस 2 लिया और इसके साथ माइनस 2 लिया। अब क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में। हो गया हमारा क्वेश्चन, इजी था, बहुत इजी था, सिर्फ यही एक बात समझने वाली थी इंटरवल वाली कि इसमें प्लस 2 लेना और इसमें माइनस 2 लेना। क्वेश्चन नंबर 11th, 11th क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है। इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन x रेज टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0,2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमें दे रखा है और ये भी बोल रखा है कि एट x इज इक्वल टू 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा और इंटरवल भी गिवन है, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे 4 एक्स क्यूब माइनस 124 एक्स प्लस ए, क्योंकि ए इंटू एक्स, ए तो कॉन्स्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना 1। इट इज गिवन दैट फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन 0,2 एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी इंटरवल तो 0,2 है लेकिन इंटरवल के अंदर 1 भी तो लाई करता है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये क्या दे रहा है? हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 पुट करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो वो 0 के इक्वल आएगा। आपने 9th क्लास में वो पढ़े सेकेंड चैप्टर में जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, है ना। तो अगर वो उसका जीरो है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, और उसको हम जीरो के इक्वल लेके चलते हैं तभी इक्वेशन बनती है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जब हम ये पॉइंट पुट करेंगे एफ डैश एक्स वन इज एफ डैश एक्स के प्लेस पे 1, तो इज इक्वल टू 0 देगा हमें। क्यों देगा? जब हम क्या करते हैं, जब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें ये कोई ना कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है ना। तो अब हमें ये एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर ये हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स ये 0 के इक्वल आएगा। तो एफ डैश 1 इस इक्वेशन में हम 1 पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे, तो 4 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही होता, 4 इंटू 1 1 हो गया, माइनस 124 एक्स के प्लेस पे 1 पुट किया हुआ है तो 124 इंटू 1 1 हो गया, प्लस ए एज इट इज, क्योंकि यहाँ तो हम कुछ पुट करने वाले हैं ही नहीं क्योंकि एक्स में पुट कर रहे हैं ना, एक्स के प्लेस पे पुट करते हैं। ये इस एक्स का मतलब साथ में यही होता है कि जो हमारे पास जो ये फंक्शन होता है ये कौन से वेरिएबल में है। अगर ये यहाँ वाई वाई में होता तो हम यहाँ एफ ऑफ वाई लिखते, तो इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया कितनी वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू 120 कैसे आई, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, तो माइनस का 120 आएगा, माइनस का 120 जब राइट साइड पे जाएगा तो आ जाएगा
प्लस 120, तो ए इज इक्वल टू 120 आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। क्वेश्चन नंबर 12th करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे स्टेटमेंट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 12th क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस साइन टू एक्स ऑन दिस इंटरवल 0,2π। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन टू एक्स, एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का 1 हो गया, प्लस साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा, कोस टू एक्स, और फिर टू एक्स का 2, तो 1 प्लस 2 कोस टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, दैट इज 1 प्लस 2 कोस टू एक्स इज इक्वल टू 0। 1 राइट साइड पर जाएगा तो माइनस का हो गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, फिर वो डिवाइड में जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब कोस की वैल्यू माइनस 1/2 क्या हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, या तो कोस माइनस कोस पाई बाय 3 पर, माइनस कोस पाई बाय 3 पर, ये जो माइनस 1/2 वैल्यू होती है कहाँ एग्जिस्ट करती है, माइनस कोस पाई बाय 3 पर। माइनस कोस पाई बाय 3, देखो माइनस तो एज इट इज है, 1/2 वैल्यू कहाँ होती है उसकी, कोस की, कोस पाई बाय 3 पर, तो माइनस कोस पाई बाय 3। अब माइनस कोस पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि अब मैं आपको प्लस 1 का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा कंप्लीट। ये हमारे पास इंटरवल होते हैं, ध्यान से समझना और समझने की बिल्कुल ट्राई करना। ये हमारे पास क्वाड्रेंट हो गए, दिख ही नहीं रहे है ना, क्योंकि मैं बना ही नहीं रही, तो दिखेंगे कहाँ से। ये हमारे पास 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, फिर से यहाँ 2 पाई चला जाता है। जो ये वाली होता है एक्स एक्सिस, इस पर नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता, जो वो हमारे ये वाई एक्सिस होती है इस पर चेंज होते हैं, तो चेंज होते हैं इस पर, साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, और कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सीकेंट में चेंज होते हैं। इस इंटरवल पर जो ये फर्स्ट इंटरवल होता है ये पॉजिटिव देता है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, सारी वैल्यूज यहाँ इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। अब जो हमारा कोस है, कोस माइनस कोस पाई बाय 3, कोस माइनस पाई बाय 3 को देखो, इसको ये लिखा हुआ है कि कोस पाई माइनस पाई बाय 3, पाई में से पाई पर तो नो चेंज, कोस पाई माइनस पाई बाय 3, इसका क्या मतलब होता है, जो हमारे पास ये फर्स्ट लिखा होता है, ये हमारे पास वो वैल्यू लिखी होती है, इन चार में से कोई एक वैल्यू लिखी होती है, तो पाई में से कुछ कम हो रहा है, पाई माइनस हो रहा है, पाई में से कुछ कम हो रहा है। अगर यहाँ पाई एग्जिस्ट करता है और पाई में से कुछ कम हो रहा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट तो किसका है, साइन का और कोसिकेंट का, साइन का और उसके रेसिप्रोकल का, तो साइन और रेसिप्रोकल, और ये किसका होता है, टेंजेंट और कोट का, ये किसका होता है, सीकेंट और सीकेंट और कोस का। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस तो क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए हमने नेगेटिव लिख दिया, और कोस फिर थीटा एंगल कौन सा हमारे पास, पाई बाय 3, तो इट मींस हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोस पाई बाय 3 को कोस पाई माइनस पाई बाय 3। ये भी जो अभी कंसेप्ट बताया, सेकंड चैप्टर 11th क्लास के 3rd चैप्टर का कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। तो पाई माइनस पाई बाय 3, इसको एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, कोस 2 पाई बाय 3। अब कोस की वैल्यू 2 पाई बाय 3, अब आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यूज हमने कौन से चैप्टर में निकालनी सीखी थी, 3rd चैप्टर में निकालनी सीखी थी, शायद एक्सरसाइज 3.4 थी वो, कि प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, कि कॉस की कॉस 2 पाई बाय 3, इट मीन्स 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, क्या होती है 2n पाई, जो जनरल फॉर्म होती है 2n पाई प्लस माइनस थीटा, यानी जो कॉस थीटा का होता है, तो यहाँ 2 पाई बाय 3 है, तो इसलिए 2 पाई बाय 3 लिख दिया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इन सबसे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इससे डिवाइड होगा तो इससे ये कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस माइनस पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो x इज इक्वल टू n की वैल्यू पुट करते रहो, n की वैल्यू पुट करेंगे, इंटरवल गिवन है 0,2π, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू, x इज इक्वल टू पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, किस इंटरवल के लिए, 0,2π के लिए। फिर हम अपने पूरे फंक्शंस में सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आएगी, ये वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं फाइंड आउट करनी आती
तो प्लस वन क्लास का 11 चैप्टर तो आप कर ही लो भाई, पहले डेरिवेटिव करने से पहले आप वही करके आओ। बिल्कुल प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, एक्सरसाइज चैप्टर 3rd की ऑफ क्लास 11th, तो सारी की सारी वैल्यूज ये हमारे पास ऐसे आएंगी। उसमें आपको बिल्कुल सिखाया जाता है, क्वाड्रेंट्स सिखाए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, सब कुछ। पाई को उसमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, चाहे कोई साइन 2 पाई हो, चाहे कोई साइन 5 पाई हो, चाहे कोई साइन 10 पाई/3 हो, कैसे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करती हैं, कब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, बिल्कुल जो उसका बेसिक है। उसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से नहीं आ सकता अगर आपको प्लस वन क्लास का 3rd चैप्टर नहीं आता। तो इसने क्या किया, सारी के सारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद 0 पुट किया और 2π/2π भी पुट किया, तो फंक्शन में 0 और 2π, क्योंकि इंटरवल गिवन होता है तो इंटरवल गिवन करते हैं, इसकी वैल्यूज भी आ गई। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है, 2π पर आ रही है, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 2π आ रही है। और किस पॉइंट पर आ रही है, एट x इज इक्वल टू 2π पर। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 0 पर आ रही है, और कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो बाकी के क्वेश्चन जो हमारे पास स्टेटमेंट वाले रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बहुत, और इस पेज नंबर 233 से आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन आता है भाई, बिल्कुल लिख के गारंटी दे रही हूँ, पक्का आएगा क्वेश्चन। तो आप अच्छे से करना और इसी एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट आता तो बिल्कुल बताना, इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।